हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन शालूज लव बुक। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होली स्पेशल मावा गुजिया। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक बड़ी सी परात में एक कप मैदा ली है। तो एक कप मैदा ले लें आप, इसमें हमें मोइन डालना होगा। तो एक किलो अगर आप मैदा ले रहे हैं तो उसके हिसाब से 250 ग्राम मोइन लेना है। मैं यहाँ पर कप का मेजरमेंट ले रही हूँ, इसलिए इसमें मैं 1/4 कप के करीब डाल रही हूँ पिघला हुआ देशी घी, यानी कि मेल्टेड क्लेरिफाइड बटर। तो मैं आपको दोनों से ही मेजरमेंट बता देती हूँ कि अगर आप 1 किलो ले रहे हैं मैदा तो उस हिसाब से आप इसमें 250 ग्राम आप इसमें मोइन डाल लें। और अगर आप कप के हिसाब से नाप रहे हैं तो आप अगर 1 कप मैदा ले रहे हैं तो उसमें आपको 1/4 कप डालना है देशी घी पिघला हुआ, या फिर आप उसमें रिफाइंड डाल लें। तो ये देखिए, हाथों से अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें, इस तरह से जिस तरह से ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं, अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स कर लें ताकि जो मोइन है अच्छे से आटे में मिल जाए। तो ये देखिए, तो लगभग 2 से 3 मिनट हमें लगेंगे इसको अच्छे से मिक्स करने में। इस पर भी डिपेंड करता है कि आपने क्वांटिटी कितनी ली है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये देखिए, दोनों हाथों का यूज़ करते हुए हम अच्छे से ये देखिए मैदा और जो हमें देशी घी लिया था पिघला हुआ उसको मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पानी जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वो मैं यहाँ पर गुनगुना पानी यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी लगाएंगे इसमें, और इसका हमें ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा मुलायम हमें आटा लगाना है। तो जिस तरह से पूड़ी का आटा होता है सेम वैसे ही हमें आटा लगाना है। तो गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें आप, बहुत ज्यादा भी पानी गर्म ना हो और ठंडा भी ना हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने गुजिया का आटा लगाकर तैयार कर लिया है। हमारा आटा लग चुका है, अब इसको हम ढककर रख देंगे लगभग 20-25 मिनट के लिए ताकि जो आटा है अच्छे से रेस्ट कर ले और सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, इस काम को करने में हमें लगभग 1/4 कप के करीब पानी लगा है। तो ये देखिए, लगभग 25 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा आटा है सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं काफी सॉफ्ट हो गया है। इसको हम फिर से नीट करेंगे अच्छे से, चाहे तो हाथों पर हल्का सा देशी घी या कोई भी और वेजिटेबल ऑयल आप लगाकर अच्छे से इसको नीट कर लें। तो हमने अच्छे से आटे को चिकना कर लिया था, अब इसकी हम लोई तोड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 कप मैदा से लगभग 8 गुजिया बना रही हूँ, थोड़े बड़े साइज की गुजिया बना रही हूँ। आप जितनी बड़ी भी साइज की गुजिया बनाना चाहें उस हिसाब से आप बनाएं। तो अगर आप थोड़ी छोटी गुजिया बनाएंगे तो लगभग 10 गुजिया आपकी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से आप लोई तोड़ लें। लोई हमने सारी तैयार कर ली है, अब इसको हम अच्छे से गोल करके इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। अब हमारे पेड़े तैयार हैं, इससे हम बनाएंगे गुजिया। तो आइए अब हम बना लेते हैं इसकी स्टफिंग। इस स्टफिंग को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, आइए मैं दिखाती हूँ। तो ये मावा गुजिया है तो ऑब्वियसली हमें चाहिए होगा मावा। तो यहाँ पर मैंने होममेड मावे का यूज़ किया है। ये जो मावा है ये ठंडा मावा है, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर का मावा है। ये मैंने लिया है 1 कप। मैं यहाँ पर फिलिंग थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ और इसको मैं बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ और आराम से इसको मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो ये देखिए, अब इसमें मैं डालूंगी सेम क्वांटिटी में बूरा, यानी कि तगार, आप जो भी बोलते हो। आप बूरे की जगह चाहे तो इसमें शुगर भी डाल सकते हैं, चाहे तो सजी शक्कर या फिर पिसी हुई शक्कर, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बूरा डाल रही हूँ। बूरे से जो टेस्ट है गुजिया का वो अलग ही आता है, बहुत ही टेस्टी बनती है, एकदम हलवाइयों जैसी बनती है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मेवा। वैसे तो मेवा आप अपनी चॉइस की, अपनी पसंद की डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ी सी किशमिश, साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी चिरौंजी, और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा ड्राई कोकोनट, जो कि मैंने कद्दूकस कर लिया है, ग्रेट कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। गरी इसमें बहुत अच्छी लगती है, ड्राई कोकोनट है ये इसमें आप जरूर डालें। तो डालने के बाद सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे जो बहुत अच्छी टेस्ट और खुशबू देगा हमारी गुजिया को। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच के करीब हरी इलायची का पाउडर। एक बार हम फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और बस हमारी स्टफिंग बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं गुजिया। गुजिया बनाने के लिए हम पेड़े को बेल लेंगे। तो जिस तरह से आप पूड़ी बेलते हैं वैसे ही आप इसको बेल लें। तो ये देखिए, हमने इसको बेल लिया है। तो सारी जितनी भी लोई हैं सभी को हम इसी तरीके से बेल कर तैयार कर लेंगे। लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है, जितनी भी आप लोई बेलते जाएंगे उनको आपको खुले में नहीं रखना है, आप इसको कपड़े के अंदर रखें। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। गीला आपको कपड़ा कर लेना है और उसके अंदर आपको कपड़े को गीला करके उसके बाद बिल्कुल निचोड़ लें और उसके अंदर आपको इन लोइयों को रखना है। तो ये देखिए, सारी की सारी लोई हम इसी तरीके से बेल कर तैयार कर लेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सारी की सारी हमने लोइयां बेल ली हैं, सारी पूड़ियां हमारी बनकर तैयार हैं। सेम गुजिया बनाएंगे। अब इसको हम गीले कपड़े से ढककर रख देंगे। मैंने एक कपड़ा लिया था कॉटन का कपड़ा, जिसको मैंने गीला करके अच्छे से निचोड़ लिया था, उससे मैंने इसको ढक दिया है ताकि जो हमारी लोई है ड्राई ना हो। तो ये देखिए इस तरह से, अब आप एक एक लोई लें साइड्स में, इसकी एजेस पर आप इस तरह से पानी लगा दें और बीच में आप स्टफिंग रख दें। तो स्टफिंग बहुत ज्यादा ना रखें, लगभग 1.5 चम्मच के करीब मैं इसमें स्टफिंग रख रही हूँ। इसको अब आप फोल्ड कर दें। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से इसको फोल्ड करना है। तो ये देखिए इसको आप इस तरह से फोल्ड कर दें। अब इसको हम अच्छे से इसकी जो एजेस है उसको सील कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें सारी की सारी गुजिया बनानी है। साइड्स में एजेस पर आप इस तरह से पानी लगा दें। आप चाहें तो मैदे का मिक्सचर, जो मैदे का घोल होता है, वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप फोल्ड करके इसकी एजेस को सील कर दें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से, जिस तरह से मैं एजेस को सील कर रही हूँ, तो अगर आप जानते हैं कि इस तरह से गुजिया गोना जानते हैं, तो आप इस तरह से गुजिया को गो सकते हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सिंपल जो मार्केट में मोल्ड आते हैं गुजिया बनाने के, सिंपल आप वो ले सकते हैं और उससे आप गुजिया बना सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए गुजिया बनाने का सांचा आता है मार्केट में, आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा ये वाला, तो आप ये ले सकते हैं। तो इस तरह से आप गुजिया को बीच में रख दें। आपको इसकी डिजाइन चाहिए तो इस तरह से आप बीच में रख दें और इसको आप अच्छे से साइड्स में बिल्कुल किनारी पर अच्छे से प्रेस कर दें। आपको इसको एजेस पर बिल्कुल प्रेस करना है अच्छे से, जो एक्स्ट्रा फ्लावर होगा उसको आप रिमूव कर दें। और ये देखिए आपको इस तरह से गुजिया मिल जाएगी। तो ये देखिए हमारी गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार है। सारी गुजिया हम इसी तरीके से बनाकर रख लेंगे। अब हम सारी जो गुजिया हमने बनाकर रखी है उनको हमें गीले कपड़े से ढककर रख देंगे। ध्यान रखें आप इस बात का, इसको गीले कपड़े से ढककर रखें, वरना जो गुजिया है वो चटकने लगेंगी। जब आप इनको ऑयल में डालेंगे तो वो जो इनका कूर है, जो आपने स्टफिंग रखी थी, वो फटकर बाहर आ जाएगी और आपका ऑयल पूरा खराब हो जाएगा। तो आइए अब हमने फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज किया है और रिफाइंड ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है बिल्कुल लो फ्लेम पर। मैंने इसको 5 मिनट तक गर्म किया था और उसमें मैंने गुजिया डाल दी है। एकदम लो फ्लेम पर ही हमें इसको 10 से 15 मिनट के लिए तलना होगा। तो बिल्कुल हम जब लो फ्लेम पर अपनी गुजिया को तलेंगे तो हमें बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर मिल जाएगा। धीमे धीमे जब ये हमारी गुजिया सिकेगी तो बहुत ही अच्छी आएगी, बनकर बाहर आएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना होगा और हमारी गुजिया बहुत अच्छी हमें मिलेगी। एकदम अगर आप हलवाई स्टाइल चाहते हैं कि गुजिया बने, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। बिल्कुल लो फ्लेम पर आप इनको अच्छे से तलें तो डेफिनेटली आपका जो पकवान है वो बहुत अच्छा बनेगा। तो एक देखिए, आप देख सकते हैं हमारी जो गुजिया कितनी फूल गई है। तो इस तरह से फ्लोट करनी चाहिए आराम से। आप इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर पड़ा रहने दें, अच्छे से सिकने दें, एकदम बढ़िया उछल कूद करने दीजिए इनको, स्विम करने दीजिए। और आप देखिएगा हमारी गुजिया बहुत बढ़िया बनकर तैयार होंगी। बीच बीच में आप इनको हल्के हाथों से पलटते जाएं। ये देखिए इस तरह से आप इनको पलट दें। बहुत विग्रसली हमें इस काम को नहीं करना है, हल्के से करना है, हल्के हाथों से ही करें और इनको आप ऐसे ही सिकने दें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लगभग 12 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो गुजिया है उनमें कलर आना शुरू हो गया है। इसको हम कुछ देर और फ्राई करेंगे। तो पेशेंस के साथ इस काम को आप करें, आपको एंड रिजल्ट जरूर अच्छा मिलेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं किसी प्लेट में या फिर किसी भी टिश्यू पेपर पर आप इसको निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। तो ये देखिए हमारी मावा गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इनको ठंडा करें और इनको सर्व करें। तो ये देखिए हमारी होली स्पेशल गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार है। वैसे तो आप इनको किसी भी फेस्टिवल में बनाकर खा सकते हैं। मैंने जो आपको स्टफिंग बताई है उसको आप एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख दें और जब भी आप चाहें तो उससे आप ये गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी मावा गुजिया की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन विद न्यू रेसिपी। बाय।